बिजनेस आइडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए टॉप 5 शॉप बिजनेस आइडिया लेकर आया। इसे आप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो और शॉप ओपन करने के लिए आप 50,000 से 1,00,000 रुपए के अंदर आप खोल के अच्छी खासी लाइफ टाइम तक कमाई कर सकते हो। इसमें पहला एग शॉप, इसमें आपको पहले एक शॉप ओपन करना होगा और उसके बाद आप एग शॉप, अंडे का शॉप स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें यह हमेशा चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस की मांग हमेशा बनी रहती है और आप इससे मंथ के 15,000 से 20,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस पर दूसरा है वेल्डिंग शॉप। यदि आप वेल्डिंग शॉप खोलते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। एक शॉप ओपन करके वेल्डिंग के काम स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपको वेल्डिंग नहीं आती है तो आप कहीं से सीख के कोर्स करके आसानी से सीख सकते हो और महीने के 15,000 से 20,000 रुपये आप आसानी से कमा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। तीसरा है चिकन शॉप। ये चिकन शॉप स्टार्ट करने के लिए आपको 40,000 से 60,000 रुपये के अंदर एक शॉप खोल के अपन चिकन शॉप स्टार्ट कर सकते हो और इससे आप 15,000 से 30,000 रुपये महीने का आसानी से कमा सकते हो और इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ये शॉप बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप इसे स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस पर चौथा है कार एंड बाइक वॉशिंग शॉप। आप कार एंड वॉशिंग शॉप एक खोल के इस पर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस शॉप खोलने के लिए आपको 50,000 से 60,000 रुपये के अंदर एक शॉप खोल के वॉशिंग का काम कर सकते हो और इस बिजनेस में आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। यदि आप अच्छी जगह पर खोलते हो तो ये बिजनेस से आप 50,000 से 60,000 रुपये तक भी कमा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस पर पाँचवा है पतंजलि शॉप। पतंजलि शॉप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। आपको बस इसमें एक शॉप खोलना होगा। शॉप खोल के और उस पर आप कुछ पतंजलि के प्रोडक्ट रख के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है और पतंजलि प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती हो। आप इस महीने के 10,000 से 15,000 रुपये आसानी से कमा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है और बिजनेस आइडिया और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।